कैसा होना चाहिए ना? वेरी गुड जॉब। जैसे कि आपको पता है कि आज टाइम कम है और आज मैं बहुत जल्दी में चीजें बना रही हूँ क्योंकि उमर ने मुझे बड़ा शॉर्ट टाइम आज बीफ खाने का मूड हो रहा था। असल में वो फरमाइश बहुत कम करता है क्योंकि नॉर्मल रूटीन में तो वो अपने चीट मील्स पर होता है। यही कोशिश होती है चाहे वो कितना भी शॉर्ट टाइम दे मैं उसकी उस चीज को पूरा कर सकूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, इस बहाने आपको भी एक नई सीखने को मिल जाएगी और वो ये है कि बीफ फजीता स्टेक बनाना सिखाऊंगी क्योंकि उमर को इस तरीके की चीजें और इस तरीके के फूड बहुत पसंद है। तो देखिए मैं किस तरह झटपट वाली चीज बनाती हूँ। हालांकि बीफ है, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि बीफ को गलने में बहुत ज्यादा वक्त चाहिए होता है, लेकिन मेरे पास चूंकि बीफ जो है वो स्ट्रिप्स में कटा हुआ है, अब इस तरीके से जब कटिंग होगी तो जब पतला पतला कटा हुआ होगा स्ट्रिप्स में तो ये जो है इतना टाइम नहीं लेता, ये जरा झटपट भी हो जाता है। तो हम पहले इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे ताकि हम थोड़ी देर बीफ को मैरिनेट कर सकें, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है, तो मेरे साथ रहिएगा। इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ वेजिटेबल्स को जूलियन कटिंग करूँगी जिसमें गाजर शिमला मिर्च वगैरह शामिल है। बीफ की मैरिनेशन के लिए सबसे पहले आप ऑयल लेंगे, सोया सॉस 3 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, लेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1.5 टीस्पून, लहसुन का पाउडर है, अगर आपके पास लहसुन का पाउडर ना हो तो आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून नमक। कम इसलिए डाल रही हूँ कि सोया सॉस भी डाला है, वो भी नमक होगा उसमें। जीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। सब में मैं ये मीट डाल दूंगी। अब इसको मैं फ्रिज में कुछ देर के लिए रख दूंगी, लाइक मेरे पास टाइम कम है तो मुझे अराउंड 30 मिनट सिर्फ रखने का मौका मिलेगा। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 4 घंटे भी रख सकते हैं, 5 घंटे, जितना ज्यादा मैरिनेशन का इसको वक्त मिलेगा इसका जो है ना टेस्ट उतना ही ज्यादा मजेदार होगा। ये इसके साथ मैं आपको एक और मजेदार चीज से, क्योंकि ये इसका कॉम्बो है, मैं आपको सिखाऊंगी टॉर्टियाज रैप जो होते हैं। जैसे हम नॉर्मली बाहर जो रैप की जो भी हम डिश खाते हैं तो उसका जो रैप होता है वो मुझे मेरे घर में सबको बहुत पसंद है और इसके साथ तो बेस्ट कॉम्बो है। तो मैंने कहा इस बहाने ये भी चीज़ मैं आपको सिखा देती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, बहुत सिंपल है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है ये। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी, बेकिंग पाउडर इसको सॉफ्ट बनाने का काम करेगा। सब चीज़ों को, जो ड्राई चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। 4 टेबलस्पून घी है ये, ठीक है, ये मक्खन नहीं है, इसके अंदर घी डलेगा। वैसे तो बेसिकली आप ऑयल का भी बना सकते हैं बट मुझे घी का ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार लगता है, तो ये 4 टेबलस्पून घी है। और घी अगर ठंडा हो, फ्रिज में रख दें आप अगर मेल्ट हुआ हुआ है तो और भी अच्छी बात होगी। ये देखें इस तरीके से आप ये घी, ये थोड़ा सा आप गर्म पानी का बनाएंगे, मतलब इतना हो कि जैसे मैं ये फिंगर अपनी डाल रही हूँ तो ये ज़्यादा ना लगे, आप बर्दाश्त कर सकें, इतना गर्म पानी हो। मैं ये इसमें डालूंगी इस घी के ऊपर, तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट किसी का मैदा कम पानी लेता है, किसी का मैदा ज्यादा पानी लेता है, तो आप वो अपने अंदाजे से देखिएगा। मेरा ऑलमोस्ट 1 कप पानी में ये बन गया है और आप ये देखें कितनी सॉफ्ट डो बनी है ये, ये देखें, ये देखिए कितनी सॉफ्ट डो बनी है ये, बस इस तरीके से आपने बनानी है। अब मैं डो को तकरीबन 20 मिनट के लिए रख दूंगी, उसके बाद हम लोग अपनी जो है वो रैप बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, इसमें जो है वो फ्राइज की सर्विंग भी होगी, तो फ्राइज कट करके मैंने उनमें कॉर्न फ्लावर लगा दिया है, तो अब बस हम उनको फ्राई करेंगे। बीफ को 30 मिनट्स हो गए हैं, अब इसमें मैं पकाने से पहले नींबू डाल दूंगी, 3 टेबलस्पून ऐड करें, ये इसको मिक्स ऐसे कर लीजिए।
दूसरी तरफ ऑयल अच्छा गरम हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर फ्राइज डाल के इनको फ्राई कर लूँगी, और अच्छे क्रिस्पी फ्राई करने हैं आपने ऐसे। ये आवाज देखें कितने क्रिस्पी बने हैं ये। और अब मैं बीफ को चूल्हे पे चढ़ा दूंगी ताकि ये अपना गलना शुरू हो जाए। 20 मिनट हो गए हैं, जो है ये सेट हो चुका है, देखें कितना जबरदस्त सा ये हुआ है। और अब इस तरह छोटे छोटे इनके जो हैं वो पेड़े बनाकर आप रख के जो है और रोटी की तरह इसको सेक लेंगे। ना इसके अंदर बटर जाएगा, ना इसमें ऑयल डलेगा, ये सिंपल साफ तवे पर जो है सेक लें। मैं कपड़े की मदद से सेक लेती हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा आसान लगता है, और इससे ये है कि बहुत अच्छी रोटी पकती है, कच्ची नहीं रहती। तो आप भी ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े से अच्छी सिकाई होती है रोटी की। अच्छा, थोड़ी सी वेजिटेबल को फ्राई करना है, जिसके लिए मैं थोड़ा सा बटर लूंगी। फूल गोभी डालेंगे थोड़ी सी, गाजर, शिमला मिर्च, थोड़ी सी बंद गोभी, काली मिर्च, सॉल्ट। दूसरी तरफ जो है हमारा बीफ भी काफ़ी हद तक अब गल चुका है, और इसके अंदर अब मैं कुछ वेजीज ऐड कर दूंगी ताकि वो जो है फ्लेवर एक दूसरे से जो है वो एब्ज़ॉर्ब अपने अंदर करें, और बड़ा मज़ेदार फ्लेवर आता है जब हम कुछ सब्जियों को बीफ के साथ पकाते हैं। एक सॉस तैयार होती है, तो वो सॉस देखें मैं कैसे बना रही हूँ। दही हाफ कप, मायो 1/4 कप डलेगा, लाल मिर्च जो होती है वो 1/4 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1/4 टीस्पून, फिर केचप 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून हॉट सॉस, सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसमें 1 टेबलस्पून शहद भी ऐड कर लें। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है बीफ विद वेजीज जो है मेरा तैयार हो चुका है, और मेरे रैप भी रेडी हैं। तो अब मैं आपको इसको फिलिंग करके बताती हूँ। वेजीज ये आप अपने हिसाब से भी क्वांटिटी ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड में इसमें सॉस डालकर इसको इस तरीके से रैप करके एक टूथपिक सेंटर में लगा के नाउ इट्स रेडी टू सर्व। बहुत ही मज़े के रैप बने हैं। आपके सामने एक और मैं बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। इसमें आप जो है कैबेज भी ऐड कर सकते हैं, जितना इसमें लवाजमात डालेंगे ये उतना ही मज़े का बनेगा। और अब बस मुझे उमर का इंतज़ार है। उमर आए और वो बस ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, तो बस मैं फिर उसके आगे सर्व करूं। अच्छा, ये तो रैप आपके सामने मैंने रेडी कर लिए हैं, बट सिज़लर प्लेटर जो है वो मैं उमर के आने के बाद रेडी करूँगी। इसको मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, आप इसके अंदर की फिलिंग चेक करें। और मैंने एक साइड पर अपने बॉयल राइस भी रेडी कर लिए थे, वो भी अभी मैं आपको सर्विंग में बताऊंगी। ये देखें, वाओ, इट्स सो यम। सिज़लर प्लेटर के लिए मैंने सिंपल बॉयल राइस, उसमें कुछ वेजीज डाल दी थी, जस्ट बॉयल हैं, सिंपल सॉल्ट के साथ मैंने बॉयल कर लिया। और ये मैं चिली सॉस इसमें थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ जस्ट फॉर सिज़लिंग। चिली सॉस की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर सिखाऊँगी आपको। सारा मैं कैसे खाऊंगा? मैं अब तुम खाओ, तुम्हारे लिए तुमने 2 घंटे का मुझे वो दिया था टारगेट। यार मैं तो कसम से, ये पहली दफा बनाया है या पहले बना चुकी? बीफ के साथ फर्स्ट टाइम बनाया।
बीफ के साथ फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे मुझे बेसिकली बीफ स्टेक खाना था, और ये तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी वैसे रेस्टोरेंट में आया हूँ क्या कहूँगा, दिस इज सो गुड, कमाल, सही बना है। मतलब डिश अगर बाहर मिले तो अच्छी खासी कॉस्टली डिश होगी, बट कमाल, 10 out of 10, द टेस्ट एंड जो इसका वो है ना, जो जूसीनेस है, बिल्कुल माइल्ड रखा है ना। बिल्कुल, तुम्हारी वजह से, तुम लाइट ही खाते हो ना। सो गुड, इसको इस समय मैं आज अच्छा किया मैंने सही वाला वर्कआउट किया है, क्योंकि ये खाना मैं वाकई डिजर्व करता हूँ। मैंने पहले ही बोल दिया, मैंने कहा उमर फरमाइश नहीं करता, क्योंकि वो नॉर्मली चीट मील्स पर रहता है। आज मैंने फरमाइश किया और मुझे ये, और टाइम बताओ कितना दिया था तुमने, 2 घंटे का टाइम दिया था मुझे टाइम में, और मुझे ये हो रहा है कि मैंने इतनी देर के बाद फरमाइश कर दी। जो बाहर आप नॉर्मली खा रहे होते हैं ना, वो वाली रैप है ये। और ये बहुत लाइट है यार, अमेजिंग, थैंक यू हरप्पी। मजा ही आ गया। कैसा बना, सही बना? वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। अभी मैं पूरा खत्म करूंगा और बाकी आपने रेसिपी तो देख ली होगी, और मैं ये कहूँगा कि रात में अगर लेट नाइट भी आपको खाने का दिल करे ना, और अगर बनते बनते देर हो जाए, ये इतना लाइट है और इतना हेल्दी है, डोंट मिस आउट दिस वन। क्योंकि जब अपी को मैंने 2 घंटे का टाइम दिया और इन्होंने 2 घंटे में ये सब बना लिया, तो आप लोग इससे भी जल्दी बना सकते हैं, इट डिपेंड्स, लेकिन टेस्ट यही होना चाहिए, टेस्ट यही होगा ना। हाँ, अगर इसी रेसिपी पूरी फॉलो करें तो यही होगा। जबरदस्त जबरदस्त, चले भाई, सही है, जाने पूरा खत्म करूंगा। सो फाइनली उमर को जो है वो फूड पसंद आ गया है, सो रेसिपी ऐसे ही फॉलो अप कीजिएगा। जब मैंने 2 घंटे में अराउंड बना लिया तो डेफिनेटली आप लोग भी बना लेंगे इंशाल्लाह। सो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।